तो जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने खुद बनाई है। और अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं तो यहाँ आप निफ्टी का लाइव चार्ट देख सकते हैं। पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है, दूसरा प्रॉफिटेबल है, तीसरा भी प्रॉफिटेबल है, चौथा भी प्रॉफिटेबल है, और ये जो पाँचवा ट्रेड है यह भी प्रॉफिटेबल है, और ये सारे ट्रेड आपने लगातार लिए हैं। तो यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बहुत अच्छे से काम करती है, साथ ही साथ आप इसे वर्ल्ड के किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। और इस चैनल पर मैं वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लाता हूँ जो इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल काम करे, साथ ही साथ आप इसे किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो है वह लाता हूँ। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले मैं आपको ये जो इंडिकेटर का सेटअप है यह बनाना सिखा देता हूँ। इसके लिए आप ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है इस पर आएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप ये जो इंडिकेटर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको सर्च करना है EMA। जैसे ही आप EMA लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला इंडिकेटर शो हो रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस इंडिकेटर की जो सेटिंग है इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेंथ 9 दिख रही है, आपको 9 की जगह इसे करना है 100 करने के बाद स्टाइल पे आ जाइए, और इसका ये जो कलर है मैं ब्लू ही रहने देता हूँ, पर इसकी लाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ ताकि ये मुझे चार्ट पे इजीली विजिबल होने लगे। और अब ओके कर दीजिए। फिर से आप इंडिकेटर है इसके ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आपको सर्च करना है CM_Williams। तो जैसे ही आप CM_VI लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पहला इंडिकेटर शो हो रहा है CM_VI Fix फाइंड एंड मार्केट बॉटम, आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। इसके क्रिएटर आप देख सकते हैं क्रिस मूडी है, और इसके यूजर्स आप देख सकते हैं 48,358 है। तो आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करिए। इसके बाद आप इसकी भी सेटिंग है इस पर क्लिक करिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इनपुट पर तो आप कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, आप सीधा स्टाइल पर आइए। स्टाइल पर आने के बाद यहाँ पे आपको पहला ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आप इस पर क्लिक करिए, और इस कलर को आप रेड में चेंज करिए। रेड में चेंज करने के बाद ओपेसिटी आप 100% कर दीजिए, और उसके बाद आप ये जो कलर वन है ग्रे कलर आप इस पर क्लिक करेंगे। इस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे ग्रीन, और आप ये जो ओपेसिटी है इसको आप 100% करेंगे, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आपकी ये जो सेकंड इंडिकेटर है इसकी भी सेटिंग हो गई। अब आप फाइनल इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो फिर से इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है वाडा। तो आप वाडा लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पहला इंडिकेटर शो होने लगेगा वाटा आटर एक्सप्लोजन V2SHK, आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। इसके क्रिएटर आप देख सकते हैं शेनकम है, तो आप इस इंडिकेटर को भी अप्लाई करिए। इसके बाद आप इस इंडिकेटर की सेटिंग है इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इनपुट है, इनपुट पर चेंजेस नहीं करना है। आप स्टाइल पर आ जाइए, यहाँ पे आपको ये जो डेड जोन लाइन दिख रही है आप इसे डिसेबल करेंगे, और ये जो एक्सप्लोजन लाइन है आप इस पर क्लिक करिए। इसका कलर ऐसा करिए जो आपको चार्ट पे इजीली विजिबल हो। मैं इसका कलर येलो करूँगा, इसकी ओपेसिटी 100 करूँगा, और यहाँ आप देख सकते हैं थिकनेस 4 पे करूँगा, तो ये येलो कलर की लाइन इजीली शो होगी। अब आप कलर 1 पे क्लिक करिए, इसकी ओपेसिटी 55 से 100 करिए, और ये जो कलर है कलर 1 इस पर भी क्लिक करिए, इसकी ओपेसिटी भी आप 100 करिए। और आप फिर क्या करेंगे, ये जो डाउन ट्रेंड में कलर ऑरेंज है आप इसकी ओपेसिटी 100% करिए, और उसके बाद यहाँ पे कलर वन आएगा रेड, आप इसकी ओपेसिटी को भी 100% करिए, और उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये जो तीनों इंडिकेटर है इसकी सेटिंग हो गई। अब आपको फाइनली क्या करना है, आपको कैंडल्स के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है हाइकनाशी। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आप हाइकनाशी कैंडलस्टिक का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर देता हूँ। अब जो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा। और इसके अलावा अगर आप इसे किसी दूसरे स्टॉक्स में यूज़ करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में, कमोडिटी में, नेचुरल गैस में या फॉरेक्स में, तो एक चीज़ चेंज हो जाएगी, वो है टाइम फ्रेम। तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए आप इसका कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूंगा जिससे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। बाकी जो हमने इंडिकेटर की सेटिंग करी है सेम रहेगी, और जो बाइंग और सेलिंग के ट्रेड में भी आपको बताऊंगा वह जो ट्रेड लेने का तरीका है वो भी सेम रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बाइंग का ट्रेड है वह बता देता हूँ। तो यहाँ आपने निफ्टी का चार्ट देख लिया, अब चलिए हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको बाइंग के ट्रेड मिलेंगे, तो बाइंग के ट्रेड की मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, आप वो ध्यान में रखिएगा। तो बाइंग के ट्रेड की सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी प्राइस इस EMA के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस है इस EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपका ये जो CM_Williams इंडिकेटर है इसमें यहाँ पे ग्रीन बार बनने चाहिए। यहाँ पे जब ग्रीन बार बनेंगे उसके बाद आपको फाइनल रूल यह देखना है कि ये जो आपका वाडा आटर एक्सप्लोजन है यहाँ पे ग्रीन बार बनने चाहिए। अगर मैं आपको चार्ट में जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन बार है ग्रीन बार बनने चाहिए बाइंग के ट्रेड में। पर इन ग्रीन बार में भी एक और कंडीशन है, इन ग्रीन बार की जो वैल्यू है वो येलो लाइन से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन बार की वैल्यू इस येलो लाइन से ऊपर है, पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इन बार की जो वैल्यू है वो येलो लाइन से नीचे है। अगर येलो लाइन से नीचे होगी तो आप बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे आप
ये दो बार की भी वैल्यू देख सकते हैं येलो लाइन से नीचे। जब येलो लाइन से ऊपर होगी तभी आप बाइंग की एंट्री है वह लेंगे। तो अब आप सारे रूल समझ गए होंगे, तो चलिए मैं आपको पहला बाइंग का ट्रेड है वह लेके बता देता हूँ। तो अब क्या देख सकते हैं आप कि पहली बार आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ग्रीन बार बना। जब यहाँ पर आपको पहली बार ग्रीन बार बना आप देख सकते हैं प्राइस इस EMA के ऊपर है, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं आपका ये जो CM विलियम्स इंडिकेटर है इसमें भी ग्रीन बार बन रहे थे। पर लास्ट रूल क्या था, आपका वाडा आर्टर में क्या बनने चाहिए, ग्रीन बार। यहाँ पे क्लियरली बार क्या बन रहे हैं, ऑरेंज। तो आप इससे नेक्स्ट कैंडल है इस पर मूव कर जाएंगे। इस पर आप देख सकते हैं कि CM विलियम्स में तो ग्रीन बार ही है, और यहाँ पे वाडा आर्टर में क्या बना, ग्रीन बार बना। पर ग्रीन बार की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, येलो लाइन से ऊपर होनी चाहिए, जो इस कैंडल पर नहीं है। तो आप इससे नेक्स्ट कैंडल पर मूव कर जाएंगे। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्रीन बार है, 100 EMA के भी ऊपर है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ये जो वाटर टर एक्सप्लोजन है इसमें ग्रीन बार बना, और इस ग्रीन बार की जो वैल्यू है वो येलो लाइन से क्लियरली ऊपर है। तो आप इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है उस पर एक अपना क्या लेंगे, बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पे एक बाइंग की जो एंट्री है वह लेंगे। तो यहाँ आपने एक बाइंग का ट्रेड लिया। अब जो आपने बाइंग का ट्रेड लिया वहाँ आप देख सकते हैं आपकी प्राइस क्या थी, 16705 थी। तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे निफ्टी में, उस कॉल ऑप्शन की प्राइस क्या होनी चाहिए, 16700 होनी चाहिए, क्योंकि 16700 का जो कॉल ऑप्शन है वो इससे सबसे ज़्यादा पास होगा। तो आप 16700 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे, तो यहाँ आपकी जो बाइंग की एंट्री है वो हो जाएगी। अब सबसे पहली चीज़ आप यहाँ रखेंगे स्टॉप लॉस। आपने इस कैंडल पर एंट्री करी तो आप इस कैंडल का ही जो लो है यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रख दिया। अब आप एग्जांपल के लिए मान लिए इस ट्रेड में हमने जो रिस्क लिया वो 10,000 का रिस्क लिया। तो अगर आप यहाँ पर 10,000 का रिस्क लेंगे तो आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, 20,000 का होना चाहिए। तो 20,000 का आप प्रॉफिट क्या देख सकते हैं इस कैंडल के हाई पे आपको इजीली अचीव हो गया। और प्रॉफिट का पता आपको कैसे चल जाएगा, यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड क्या देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपका रिस्क 10,000 का है तो आपका जो प्रॉफिट है उससे डबल 20,000 का हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका रिस्क 50,000 है तो आपका जो प्रॉफिट है उससे डबल 100,000 हो जाना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड का यही मतलब है, रिस्क से डबल प्रॉफिट। तो पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हुआ। अब इससे पहले हम फिर से वेट करेंगे कि जो कैंडलस्टिक है उसमें ग्रीन कलर बने। इससे पहले जो कैंडलस्टिक रेड थी, रेड के बाद ग्रीन कलर यहाँ बना। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इस कैंडल पर जो कैंडलस्टिक का कलर है वो ग्रीन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक का कलर यहाँ पे भी ग्रीन बना। रेड के बाद पहली बार यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ग्रीन बना। इस कैंडल पर आपका CM विलियम्स इंडिकेटर है, CM विलियम्स इंडिकेटर भी आपका ग्रीन कलर का है, पर आपका वाडा आर्टर एक्सप्लोजन क्या है, क्लियरली रेड कलर का है। तो यहाँ पे तो आपको इस एरिया तक कोई सा भी ट्रेड है मिलना ही नहीं था, क्योंकि इस एरिया में आप क्या देख सकते हैं वाडा आर्टर एक्सप्लोजन के जो बार का कलर है वो रेड है। आपको क्या चाहिए, आपको बाइंग के लिए ग्रीन बार चाहिए, और उस ग्रीन बार की भी वैल्यू इस येलो लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो आपका जो ट्रेड है वो यहाँ तक तो अवॉइड हो जाते, और आपको बाइंग की एंट्री है वो इस कैंडल पर मिलती। वो क्यों मिलती, अगर आप इस कैंडल पर सारी कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस थी वो 100 EMA की तो ऊपर है, इस कैंडलस्टिक का कलर भी ग्रीन है, और आप यहाँ क्या देख सकते हैं CM विलियम्स भी ग्रीन बार बना रहा था, और इस कैंडल पर आप पहली बार देखेंगे कि वाटर टर एक्सप्लोजन में ग्रीन बार बना, और जो ग्रीन बार की वैल्यू थी वो क्लियरली इस येलो लाइन के ऊपर थी। तो आप इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ पे आप एक बाइंग की एंट्री है ये ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले ली बाइंग की। अब आप देख सकते हैं आपकी जो एंट्री प्राइस है वो आपकी क्या हो जाती, आपकी एंट्री प्राइस हो जाती 16,661। तो आप क्या करेंगे, 16,650 का जो कॉल ऑप्शन है बाय कर लेंगे, क्योंकि 16,650 का कॉल ऑप्शन इसके सबसे ज़्यादा पास है। और आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप रखेंगे स्टॉप लॉस। इस कैंडल पर एंट्री ली है तो इस कैंडल के लो पे आपने जो स्टॉप लॉस है वह रख दिया, और उसके बाद मैंने प्रॉफिट आपको क्या बताया, अगर 10,000 का रिस्क है तो प्रॉफिट आपका उससे डबल 20,000 का होना चाहिए। जो आप देख सकते हैं कि 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको इतना ईजिली है अचीव हो गया। तो आपका ये जो सेकेंड ट्रेड है यह भी क्या हो गया, आपका प्रॉफिटेबल। अब आप इससे पहले फिर से वेट करेंगे कि रेड कैंडल स्टिक के बाद क्या बनी, ग्रीन। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि 3 रेड कैंडल स्टिक बनी, और उसके बाद यहाँ पे पहली बार क्या बनी, ग्रीन। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक बनी तो यह कैंडलस्टिक पे आप क्या क्लियरली देख सकते हैं, प्राइस इस 100 EMA के ऊपर है। CM विलियम्स में भी क्या बने, ग्रीन बार, और यहाँ आप देख सकते हैं आपके वाडा आर्टर में भी क्या बना, ग्रीन बार, और इस ग्रीन बार की क्लियरली वैल्यू क्या है, 0 लाइन के अबो है। तो आप इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्या ले सकते थे, एंट्री। तो आप एक लॉन्ग पोजिशन ले लीजिए यहाँ पे, सेम कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। आपकी एंट्री प्राइस कितनी हो गई, आपकी एंट्री प्राइस हो गई 16,590। तो आप क्या करेंगे, 16,600 का कॉल ऑप्शन इजीली बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद आप 1:2 का प्रॉफिट रखेंगे, वो आप देख सकते हैं इतना इजीली अचीव हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 ट्रेड लिए, तीनों ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ। इससे पहले भी आपको यह ट्रेड मिल रहा था, यह ट्रेड में भी आपको जो प्रॉफिट है इजीली हो जाता, कैसे हो जाता, यहाँ आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक ने 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ पे CM विलियम्स का कलर ग्रीन था, पर वाइट आर्टर में क्या था, यहाँ पे बार नहीं बना। तो इससे नेक्स्ट कैंडल पे मूव कर जाएंगे, इस कैंडल पर देख सकते हैं ग्रीन बार बना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रीन बार बना येलो लाइन के ऊपर। तो इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है
एंट्री सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस, और आपकी जो एंट्री प्राइस थी वो कितनी थी 16,557 है। तो आप क्या करेंगे 16,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करेंगे और 1:2 का हर बार की तरह प्रॉफिट रखेंगे। क्या अचीव हुआ देख सकते हैं, 1:2.8 लिख के आ रहा है, 1:2 का प्रॉफिट है, इजीली अचीव हो गया। चार ट्रेड लिए, चारों प्रॉफिटेबल हुए, तो बाइंग के बहुत ट्रेड समझ लिए। अब मैं आपको जो सेलिंग के ट्रेड है वो बता देता हूँ। तो सेलिंग की पहली कंडीशन है प्राइस 200 EMA के नीचे होना चाहिए। तो चलिए हम वो एरिया भी देख लेते हैं जहाँ प्राइस 200 EMA के नीचे हो। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस 200 EMA के नीचे चल रहा है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि कैंडलस्टिक 200 EMA के नीचे जब क्लोजिंग देगी तो कैंडलस्टिक का कलर यहाँ पे रेड होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है CM विलियम्स में यहाँ पे रेड बार है, रेड बार बनने चाहिए। जब यहाँ पे रेड बार बनेंगे तो वाडा अटर में भी यहाँ रेड बार बनने चाहिए, और ये रेड बार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्लियरली इस येलो लाइन से अबव होनी चाहिए। जब सारी कंडीशन फॉलो होगी तो आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट पोजीशन की एंट्री लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से एक सेलिंग की एंट्री लेते हैं। आप पहली बार क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड बार है, रेड बार इस कैंडल पर बना, और यहाँ पे आप वाडा अटर की वैल्यू क्लियरली देख सकते हैं कि रेड बार बन रहे हैं, और ये रेड बार की वैल्यू इस क्लियरली येलो लाइन से बहुत ज़्यादा अबव है। तो आप इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट सेल का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल का ट्रेड लेंगे और सेम कैंडलस्टिक का जो हाई है यहाँ पे आप रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। जब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपकी एंट्री प्राइस क्या है, 15,991 है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है 16,000 का। 16,000 का आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है इजीली हो सकता है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल की आपने एंट्री ले ली और प्रॉफिट वही रिस्क से डबल। तो रिस्क से डबल आपको प्रॉफिट क्या यहाँ पर मिला, तो क्लियरली देख सकते हैं कि आपको एक्यूरेट 1:2 का प्रॉफिट है वह मिला, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट पहला इजीली हिट हो गया। इसके बाद आप जो नेक्स्ट ट्रेड है वह लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, फिर से रेड बार बना, पर यहाँ पे वाडा अटर की क्लियरली वैल्यू देख सकते हैं रेड बार की येलो लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे है, तो यह ट्रेड आपका अवॉइड हो गया। तो अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आपके जो लॉसेस है लॉसेस भी हिट नहीं होंगे और आपको जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पर हमने सेलिंग का ट्रेड लिया। अब इससे पहले सेलिंग का ट्रेड एक आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर क्यों मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो वाडा अटर की वैल्यू है वो क्लियरली इस येलो लाइन से अबो है इस कैंडल पर, और इस कैंडल पर प्राइस इस 100 EMA के नीचे है, कैंडल का कलर भी रेड है, पर यहाँ पे CM विलियम्स में रेड बार नहीं बन रहे थे। CM विलियम में रेड बार यहाँ पर बने इस कैंडल पर पहली बार। वाडा अटर में भी इस कैंडल पर जो वैल्यू थी वो ये येलो लाइन से वो थी, और बार का कलर क्या था, रेड था। तो आप इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ पर क्या लेंगे, अपनी एक शॉर्ट सेल की जो एंट्री है वह लेंगे। तो हम चलिए जल्दी से एक शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पर कैंडल स्टिक के हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का जो प्रॉफिट है वह रखेंगे। 1:2 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर अचीव हो जाएगा। यहाँ पे आपकी एंट्री प्राइस कितनी हो जाती, 16,224। तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं 16,000 का, तो इस ट्रेड में भी आप इजीली प्रॉफिट बना सकते थे। तो यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब यह नहीं आप कल से जाके इसमें रियल कैपिटल अप्लाई करेंगे, पहले आप इसकी 5 से 7 दिन प्रैक्टिस करेंगे, और जब आपको लगता है आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं तभी आप अपना रियल कैपिटल यूज करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।